दोस्तों आयुष्मान भारत पोर्टल पर एक और नया अपडेट आज का है। ये अपडेट क्या है आज की इसी वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों आपको आयुष्मान भारत पोर्टल पर आने के लिए beneficiary.nhi.gov.in पर आ जाना है। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो आपको अभी तक दो ऑप्शन देखने को मिलते थे, लॉग इन एज बेनिफिशरी और ऑपरेटर। तो दोस्तों जैसे ही अब आप ऑपरेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा सीएससी लॉगिन, जो अभी तक आपको देखने को नहीं मिल रहा था। इससे पहले हम जब ऑपरेटर आईडी को लॉगिन कर रहे थे तो जैसे मोबाइल नंबर डाल के वेरीफाई करते थे और ओटीपी डाल के कैप्चा फिल करते थे तो आपको यहाँ पर एक एरर देखने को मिलता था, करेक्ट रोल इज नॉट मैप्ड इन यूएमपी एप्लीकेशन। तो दोस्तों ये किस तरह से जो आपका लॉगिन नहीं हो रहा था, इसका जो मेन कारण था कि आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो यूएमपी वेबसाइट पर मैप नहीं था। तो किस तरह से आपको मैप करना है जिससे कि आप लॉगिन कर पाए। अभी यहाँ पर आपको जो सीएससी लॉगिन का जो ऑप्शन है इससे भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन नहीं कर पाएंगे। इस तरह से हम यहाँ पर आपको सीएससी से कनेक्ट करके दिखा दे रहे हैं, कुछ इस तरह का जो एरर है देखने को मिल रहा होगा आपको। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अगर पूरा देख लेते हैं तो जो आपको करेक्ट रोल इज नॉट मैप इन यूएमपी एप्लीकेशन का जो आपको एरर देखने को मिल रहा था ये नहीं मिलेगा। लेकिन आपको वीडियो को अंत तक देख लेना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो सिंगअप है इसको करना है। दोस्तों आप लोगों ने पहले भी सिंगअप कर रखा होगा, लेकिन इस बार जो आपको सिंगअप करना है वो कुछ अलग तरीके से करना है, जिससे कि 24 आवर यानी 24 घंटे के अंदर आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो मैप हो जाए और आप उसको लॉग इन कर पाए। तो दोस्तों आपको कुछ इस तरह से कर लेना है। जैसे यहाँ पर आपको जो सिंगअप करेंगे तो सिंगअप करने के लिए दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर एंटर करके वैलिडेट करना है। इस तरह से आप अपना आधार नंबर डाल के वैलिडेट करेंगे। इसके बाद ई के वाई सी मोड को आप सिलेक्ट करेंगे, आधार ओटीपी या आधार फिंगरप्रिंट, तो आप कोई सा भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने आधार ओटीपी को सिलेक्ट किया है। कंसेंट आएगा, कंसेंट पर आपको ओके करना है। इसके बाद आपको अलाउ कर देना है। जैसे ही आप अलाउ करेंगे आपके नंबर पर एक ओटीपी भेज दिया जाएगा, जो भी आधार से लिंक आपका नंबर होगा उसी पर आपके ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर फिल करके सबमिट करना है। यहाँ पर दोस्तों ओटीपी डाल के वैलिडेट कर दिया है, अब यहाँ पर हमको सबमिट कर देना है। जैसे दोस्तों सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद यहाँ पर जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आधार के बेस पर आपको ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर करंट एड्रेस इज सेम एज आधार एड्रेस, यहाँ पर आपको ओके कर देना है। जो करंट एड्रेस आपका है वो और आधार एड्रेस सेम है तो आपको ओके कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी को एंटर करके वेरीफाई कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर को एंटर करेंगे और इसको भी वेरीफाई कर देंगे। यहाँ पर वेरीफाई कर देने के बाद यहाँ पर आपको जो फोटो लगा हुआ है ये आधार कार्ड से इमेज लिया गया है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक न्यू पिक्चर यानी अपना एक फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड होने के बाद नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर एड रोल डिटेल। अब दोस्तों सारा खेल यहीं पर है, जब भी आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो अप्रूव होगा तो उसका जो भी खेल रहता है वो यहीं पे रहता है। आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है, आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपका ऑपरेटर आईडी अप्रूव नहीं हो पाएगा और आप सीएससी से लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो पेरेंट एंटिटी है यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद जो आपने यहाँ पे सीएससी वगैरह जो इससे पहले आपने अगर किया होगा तो यहाँ पर आपको सीएससी से नहीं करना है। यहाँ पर आपका जिस भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य का यहाँ पर आपको नाम एंटर कर देना है। यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर यूपी से हैं तो यूपी ऐड करेंगे तो यहाँ पर SHA UP इस तरह से आपको फिल कर लेना है। यहाँ पर आपको सीएससी नहीं करना, अगर आप सीएससी से करेंगे तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा। इसके बाद एंटिटी टाइप में आपको इस तरह से ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें आपको डिवीजन ही सिलेक्ट करना है। आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे लेकिन आपको यहाँ पर डिवीजन ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद एंटिटी नेम में आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेशन ही सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है, एडमिनिस्ट्रेशन। इसको सिलेक्ट करने के बाद यूजर रोल का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे लेकिन आपको ऑपरेटर BIS यही सिलेक्ट करना है। क्या सिलेक्ट करना है दोस्तों, ऑपरेटर। यहाँ पर बहुत सारे लोग एडमिन सिलेक्ट कर लेते हैं और बहुत सारे लोग और भी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर ऑपरेटर BIS सिलेक्ट करना है। इसके बाद एप्लीकेशन में आपको BIS ही ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर अदर ऑप्शन भी आते हैं तो आपको BIS ही सिलेक्ट करना है। तो आपको इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है और जितनी भी डिटेल आपने फिल की है उसको एक बार अच्छे से वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कर देने के बाद आपको यहाँ पर ऐड कर देना है। जैसे दोस्तों यहाँ पर आप ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपको अपना यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, पासवर्ड को कन्फर्म कर लेना है। इसके बाद सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको अकाउंट क्रिएटेड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, योर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड।
रोल्स हैज बीन सेंड फॉर अप्रूवल, और ये अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने दोस्तों पहले से अपना अकाउंट क्रिएट कर दिया होगा, इस चक्कर में उनका दोबारा से सिंगअप नहीं हो रहा होगा। तो आपको सबसे पहले जो पुराना आपने जो अकाउंट क्रिएट किया था उसको लॉग इन करके डिलीट कर देना है, उसके बाद आप सिंगअप करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपको सिंगअप कर लेना है, उसके बाद 1 या 2 दिन आपको वेट कर लेना है। 1 या 2 दिन के बाद आपको चेक कर लेना है आपका जो ऑपरेटर आईडी है वो अप्रूव हो जाएगा, और आप यूएमपी पोर्टल पर लॉग इन करके अपनी जो सीएससी आईडी है उससे काम कर पाएंगे और आयुष्मान कार्ड बना पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना।